हाथरस में 121 लोगों के मौत का आखिर गुनहगार कौन है? बाबा साकार हरि के सत्संग में भगदड़ क्यों मची? क्या साकार हरि ने सत्संग में भक्तों को चरण रज लेने के लिए कहा था? आज आपको इन सभी सवालों का जवाब इंडिया टीवी पर मिलेगा, क्योंकि हाथरस भगदड़ कांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा बाबा साकार हरि के उन सेवादारों ने किया है जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाबा साकार हरि फरार है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की भी तलाश जारी है, लेकिन इसी बीच पुलिस को भगदड़ कैसे मची इसे लेकर एक बड़ा सबूत मिला है। ये सबूत गिरफ्तार सेवादारों का कबूलनामा है। गिरफ्तार सेवादारों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि सत्संग खत्म होने के बाद जब बाबा निकलने लगे तो सेवादारों ने पहले भीड़ को रोका और फिर चरण रज लेने के लिए वो अचानक से दौड़ पड़े, जिसे भीड़ अनियंत्रित हो गई, बड़ा हादसा हो गया। सेवादारों ने पूछताछ में पुलिस को ये भी बताया कि घटनास्थल पर जब भगदड़ मची तो सेवादार भी वहां से भाग गए, जिससे हालात और खराब हो गए। सोचिए, बाबा को अपनी जिस प्राइवेट आर्मी पर भरोसा था, जिस पर भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी थी, वो सेवादार मौके से भाग गए और लोगों को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। दरअसल यूपी पुलिस ने अब तक 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। ये वो सेवादार है जिन पर सत्संग के आयोजन की जिम्मेदारी थी। उसने कबूल किया कि चरण रज के लिए भीड़ दौड़ी और मिसमैनेजमेंट की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। चरण रज को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। ये खुलासा एक पीड़ित परिवार ने किया। अलीगढ़ के पीड़ित परिवार ने बाबा साकार हरि पर बड़ा आरोप लगाया। परिवार का कहना है कि जब सत्संग खत्म होने लगा तो बाबा ने मंच से कहा कि जिसे भी तकलीफ है वो चरण रज अपने साथ लेकर जाए, यानी कि पांव की धूल अपने साथ लेकर जाए। उसे लगाने से या उसके परिवार की तकलीफों को दूर करने के लिए ये चरण रज ही काफी है, और यही कारण है कि लोग जैसे ही सत्संग खत्म हुआ उसके बाद उनके पांव की धूल लेने के लिए लोग बेतहाशा दौड़ पड़े। 80,000 लोग बुलाए थे बाबा ने, और वहाँ 2 से 2.5 लाख लोग पहुँच चुके हैं। तो वहाँ हो गई, बाबा जैसे जाने को हुआ मंच से उठ के उसने बोला, अगर किसी को कोई तकलीफ कोई परेशानी हो तो, और अपने आपके परिवार में कोई परेशानी हो तो चरण रस लेकर और वहाँ लगा दीजिए, जो परिवार में कोई दुखी हो उसके तलक लगा दीजिए सही ढंग। तो वो उसके चरणों की मिट्टी लेने के लिए पब्लिक भागी है। इस बीच गिरफ्तार सेवादारों ने एक और बड़ा खुलासा किया। सेवादारों ने पुलिस को बताया है कि सेवादारों के पास जो काम था उसमें से एक काम सत्संग समिति के लिए भीड़ को इकट्ठा करने का काम था, और दूसरा काम था चंदा इकट्ठा करना। सेवादारों ने भीड़ को इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन भीड़ को मैनेज नहीं कर पाए। जिस वक्त वहां पर अव्यवस्था शुरू हुई, जिस वक्त तमाम भक्त दौड़ पड़े बाबा साकार हरि के चरणों की धूल लेने के लिए, उस वक्त सेवादार वहां से भाग खड़े हुए। आइए अब आपको बताती हूं कि गिरफ्तार किए गए सेवादार ने अभी तक पुलिसिया पूछताछ में क्या क्या जानकारी सामने रखी है। यूपी पुलिस ने अब तक 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। उसमें सत्संग आयोजन समिति से जुड़े हुए 4 पुरुष हैं और 2 महिलाएं शामिल है। पहले तो आपको बता दें इनका काम क्या है। सत्संग समिति के लिए भीड़ को इकट्ठा करने का काम इन सेवादारों के जिम्मे था, और दूसरा काम था बाबा के सत्संग के लिए चंदा जमा करना। जो बड़ी बड़ी आलिशान कोठियां आप देख रहे हैं, जो आश्रम आप देख रहे हैं, यूं ही रातों रात खड़ी नहीं हो गई, बल्कि इसके लिए बकायदा चंदा जमा करने का काम किया जाता रहा है, और ये सेवादार करते हैं। जरा अगले ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं। यूपी पुलिस ने अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो कौन कौन है। राम यादव मैनपुरी का रहने वाला सेवादार गिरफ्तार कर लिया गया है। उपेंद्र यादव शिकोहाबाद का रहने वाला व्यक्ति, ये भी गिरफ्तार किया गया। मेघ सिंह हाथरस का ही रहने वाला बाबा का सेवादार है, जो गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मुकेश कुमार हाथरस से ही, मंजू यादव और मंजू देवी, ये 2 नाम जिन महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में, उनसे पूछताछ हुई है। अब पूछताछ में क्या बातें निकल कर सामने आई वो आपको बता दें। कबूलनामा सेवादारों का ही है। उन्होंने कहा कि पहले तो भीड़ को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन फिर चरण रज लेने के लिए भीड़ को छोड़ दिया गया। बल्कि सेवादारों का काम क्या था कि अगर लोग बेतहाशा इकट्ठे हो चुके हैं,
बेकाबू हो सकते हैं ऐसी संभावना दिखाई दे रही है, तो जिम्मेदारी क्या थी कि इनको रोक लिया जाए, लेकिन क्या किया इन्होंने, चरण रज लेने के लिए इन्हें छोड़ दिया। और अचानक जैसे ही इनको छोड़ा गया तो भीड़ अनियंत्रित हो गई, अनियंत्रित भीड़ की वजह से ही पूरा हादसा हो गया। इसलिए एक बात तो समझ में आती है कि जो सेवादार गिरफ्तार किए गए हैं, बहुत बड़ी गलती उन सेवादारों की थी जिन्होंने भीड़ को अनियंत्रित ही छोड़ दिया। पुलिस को मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की तलाश है, उसकी गिरफ्तारी पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। यह है देव प्रकाश मधुकर, जो कि बाबा का एक सेवादार है और बड़ा सेवादार है, बाबा साकार हरि का खास कहा जाता है, हाथरस सत्संग का मुख्य आयोजन करता यही देव प्रकाश है। हादसे की बात से मधुकर कहाँ है इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, और बाबा भी जब वहां से फरार हुआ तो उसने देव प्रकाश से अच्छी लंबी बातचीत की थी, पूरी जानकारी हासिल की थी। 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। अभी मधुकर को क्यों ढूंढा जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, हाथरस भगदड़ कांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, इसके सिर पर 1,00,000 रुपए का इनाम रख दिया गया है। बाबा साकार हरि का ये खास सेवादार है, सिर्फ ये नहीं बल्कि इसकी पत्नी भी बाबा की सेवादार है, पंचायती राज विभाग में बतौर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। हमारे दो सहयोगी पवन नारा हाथरस से और विशाल प्रताप सिंह अलीगढ़ से लाइव जुड़ गए, हम सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले विशाल, आप ये बताएं कि पुलिसिया जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? मीनाक्षी, 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं सेवादार हैं और 4 अन्य पुरुष हैं जो कि सेवादार हैं, बाबा के साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे। और इन्होंने पुलिसिया पूछताछ में इस बात को इकबाल किया है, कबूल किया है कि वहां पर जो जिम्मेदारी सेवादारों को दी गई थी, उस जिम्मेदारी को सेवादार अच्छे ढंग से निभा नहीं पाए, क्योंकि जिस तरीके से अनियंत्रित भीड़ हो रही थी, भीड़ को मैनेज करना चाहिए था, भीड़ को रोकना चाहिए था, लेकिन जब सेवादारों ने ये देखा कि मौके के हालात काफी खराब हो गए हैं, भीड़ एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू हो गई है, उनको परेशानी बढ़ गई है, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करने के बजाय, जानकारी देने के बजाय, पुलिस प्रशासन को वहां बुलाने की बजाय मौके से भागना ज्यादा मुनासिब समझा, और जो मौके पर सबूत पड़े हुए थे उन सारे सबूतों को वहां से उठा करके दूसरे खेत में फेंकने की भी कोशिश की गई है, जिसके मौके पर सबूत भी मिले हैं, और यूपी पुलिस ने बाकायदा इस बात का जिक्र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है। तो ये बिल्कुल साफ कर देता है कि सेवादारों की जो भूमिका थी वो पूरी तरीके से जांच और संदिग्ध के घेरे में है। यही वजह है कि यूपी पुलिस की जो कई टीमें बनाई गई हैं, वो आरोपी जो पकड़े गए हैं 6, उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि जब ये जानकारी बाबा को दी गई, बाबा से फोन कॉल पे बातचीत की गई, तो बाबा का क्या रिएक्शन था, बाबा वापस क्यों नहीं लौट करके आया, क्योंकि बाबा वहां से निकल तो रुक गया था, लोगों का कहना था, लेकिन जिस तरीके से चरण रज लेने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुटी। विशाल, ये बाबा बहुत चालू निकला, जैसे उसे ये पता चला कि इतना बड़ा हादसा हो गया है तो वो तो फरार हो गया, और बाद में एक नोट बस खाली जारी कर दिया, वो भी ये कहते हुए कि ये एक साजिश है, और खुद श्रद्धालु जो है वो खुद ही साजिश करता भी है। बड़ी हैरानी की बात होती है पवन कि ऐसे ऐसे बाबाओं पर लोग विश्वास कर लेते हैं। खैर, अभी आप हाथरस में मौजूद हैं, राहुल गांधी भी हाथरस पहुंचे, पूरे माहौल का जायजा लेने के लिए लोगों से बातचीत उन्होंने की, क्या समझ कर गए हैं वो यहां से? राहुल गांधी आए, यहां पीड़ितों से मुलाकात की, उनकी आर्थिक हालात, पारिवारिक हालात के बारे में जानकारी ली, ज्यादा मुआवजा दिए जाने की बात की और चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी के संबोधन में भी बाबा पर कोई निशाना नहीं था। पुलिस बाबा तक अभी तक हाथ नहीं डाल रही है, कह रही है जांच में जरूरत होगी तो पूछताछ करेंगे। जो कबूलनामा पुलिस की प्रेस नोट में इन 6 सेवादारों का दिया गया है, वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि बाबा को क्लीन चिट दिलाने के लिए जैसे एक डेडिकेटेड सेवादार होना चाहिए, ठीक उसी अंदाज में पूरे आयोजन की नाकामी की जिम्मेदारी अपने सर ले रहे हैं, बाबा दायरे से बाहर हैं। सवाल यह है कि क्यों, और उसका जमीन पर जो जवाब हम समझ पा रहे हैं, बाबा की पकड़ जाटव समाज या कहें कि दलित समाज पर अच्छी खासी मानी जाती है, और एक बड़े वोट बैंक या कहें कि बड़े समर्थक हैं जो इस हाथरस मैनपुरी इस बेल्ट को गवर्न करते हैं, और कोई भी राजनीतिक दल सीधे तौर पर बाबा का नाम लेने से बच रहा है, ये हम जमीन पर समझ पा रहे हैं। ये देखिए पवन, एक बात तो समझ में आती है कि राहुल गांधी के लिए
आपने जो ब्यौरा दिया राहुल गांधी के लिए और अखिलेश यादव के लिए, इनका नाम लेना क्यों इतना मुश्किल हो रहा है, ये आपकी दी गई जानकारी के बाद समझ में आ रहा है। बहुत शुक्रिया पवन, आपका भी, विशाल आपका भी पूरी जानकारी के लिए। तो हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, राहुल गांधी खुद वहाँ पर माहौल को समझने के लिए, कांड कैसे हुआ, क्या कमियाँ रह गई थी उसे समझने के लिए वहाँ पर पहुँचे, हाहाकार मचा हुआ था। 121 लोगों की जान गई और जो मुख्य आयोजनकर्ता है उसका नाम नहीं लिया उन्होंने, जो बाबा हैं जिनके सत्संग में यह हादसा हुआ उस बाबा का भी उन्होंने नाम नहीं लिया। हाथरस हादसे को लेकर एक हाहाकार है। सिकंदरा राव इलाके में सत्संग के दौरान मचे भगदड़ में देखते ही देखते 121 जिंदगियां खत्म हो गई। इतने बड़े हादसे के बाद परिजन प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो बाबा नारायण साकार हरि का कोई सुराग मिला है और ना ही मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। और इस बीच हादसे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने अलीगढ़ और हाथरस में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की है। राहुल गांधी पहले अलीगढ़ पहुंचे, फिर हाथरस भी पहुंचे, पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की और फिर बड़ी संख्या में लोगों की मौत के लिए सीधे प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों ने हादसे के लिए प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया है, मौके पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, पीड़ित परिवार को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने उठाई। राहुल गांधी ने कहा कि सीएम योगी को दिल खोल कर लोगों की मदद करनी चाहिए। आपकी बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो आपकी बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पेंसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पेंसेशन करें। सर परिवार वालों से मिली, क्या कुछ कहा परिवार वालों ने, बड़ी बात कही है राहुल जी आपने, बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। राहुल जी, राहुल जी, बाबा आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो, बोलने दो। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजे की, मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं परिवार? देखिए परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है, बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन की तो बहुत बड़ी गलती है कि जितनी भीड़ की परमिशन मांगी गई थी उससे ज्यादा की भीड़ अगर वहां पर एकत्रित हुई तो फिर पुलिस प्रशासन ने सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, इंतजामों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए, और ये सवाल तो बार बार प्रशासन से भी पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी आज सुबह सुबह ही हादसे में शिकार हुए परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे और वो सबसे पहले सुबह 7 बजे अलीगढ़ के पिलखना पहुंचे और इस गांव के 4 लोगों की भगदड़ में मौत हुई थी, राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की। सबसे पहले मंजू देवी के घर पहुंचे, भगदड़ में मंजू देवी और उनके 6 साल के बेटे पंकज की जान चली गई। राहुल मंजू देवी के पति छोटे लाल और उनकी बेटियों से मिलने के लिए पहुंचे, परिजनों के साथ करीब आधा घंटे तक उन्होंने वक्त बिताया, लोगों का हौसला भी बढ़ाया, पार्टी की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। इसके बाद वो प्रेमवती और शांति देवी के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। हाथरस भगदड़ में इन दोनों की मौत
हो गई। मंजू देवी के पति छोटेलाल ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि यूपी में उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो मदद की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं मंजू देवी की छोटी बेटी हादसे के बारे में पूछे जाने पर फफक फफक कर रोने लगी। हमारे साथ इस वक्त छोटेलाल जी मौजूद हैं। छोटेलाल जी, आपसे अभी राहुल गांधी ने मुलाकात करी, क्या बोला राहुल गांधी ने, क्या आश्वासन दिया? राहुल भैया कह रहे कि आपके लिए कुछ मदद मिली, सरकार तो मिल गई, अभी तो कुछ नहीं मिला भैया, तो देखो करवाते हैं, मेरी सरकार तो है नहीं है, फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। उससे राहुल भैया जी क्या कह गए? जो केंद्र सरकार ने जो अनाउंस किया था कि मृतकों को 2-2 लाख रुपए, वो सारी जानकारी आपको मिली है? हाँ, वो जानकारी तो मिल गई है, अभी मिले नहीं है, जानकारी मिली है, मिले नहीं है। राहुल गांधी ने और आप लोगों को क्या कहा इस पूरे हादसे के बारे में, या प्रशासन के बारे में कोई क्या बातचीत हुई? राहुल भैया ने ये कही कि देखो दुखी की बात है, और आपके लिए जो भी कोशिश करेंगे हम, आपकी सुरक्षा आपके लिए कुछ करेंगे हम। कोई आश्वासन दिया किस तरह से मदद करेंगे ये बताया? नौकरी मदद करेंगे आपकी, हम सरकार तो नहीं, मगर फिर भी आपकी हम मदद करेंगे। एक सवाल उस दिन के बारे में जानना चाहूंगा जब आप लोग गए थे यहाँ पर हाथरस में, आप लोग गए थे इस पूरे में शामिल होने के लिए, कौन कौन लोग गए थे और आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 4 लड़कियां, एक लड़का था, 4 लड़की तो हुआ था, मेरी वाइफ भी, तो लड़की ने मैं यहीं छोड़ गया, मेरा बेटा मेरी वाइफ मेरे साथ गए, जहाँ थे हम 10 बजे वहाँ प्रोग्राम में पहुँच गए। प्रोग्राम में पहुँचने के बाद में हमने बाइक अपनी खड़ी कर दी बाइक स्टैंड पर, मैंने समापन के बाद में तुम यहाँ आ जाएंगे बाइक के पास में, मैं आप अंदर नहीं गए? मैं अंदर नहीं गया था, मैं तो रोड पर ही खड़ा हो गया था मेन गेट के सामने। बेटा क्या नाम है आपका? पलक। दिन जब गए थे आपके पापा अपने भाई और आपकी माँ को लेके, क्या बोल के गए थे, कहाँ जा रहे? मम्मी मुझसे नो गारंटी, बेटा से मार के रहना, वहाँ से आके मैं तुमको कपड़ा लेके आऊंगी। अभी राहुल गांधी आए थे, आप भी यहीं पर थी, क्या बोले राहुल गांधी, क्या बोल के गए? बहन से बात हो रही थी सर। परिवार जो है इस वक्त किस कंडीशन में है आप सोच सकते हैं। राहुल गांधी ने तकरीबन आधा घंटा यहां पर मुलाकात की है। हाथरस हादसे में अलीगढ़ के पिलखना की दो और महिलाओं की जान गई, इसमें शांति देवी का नाम भी शामिल है जिनकी उम्र लगभग 65 साल, और प्रेमवती जिनकी उम्र 60 साल थी। राहुल गांधी ने इनके परिवार वालों से भी मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद प्रेमवती के परिवार ने बाबा नारायण साकार हरि को लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा कि उनका भरोसा बाबा से उठ चुका है। उन्होंने बाबा को फांसी दिए जाने की मांग की। सुनिए इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान प्रेमवती के घर वालों ने क्या कहा। अलीगढ़ के पिलखाना में आकर के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। वो परिवार हमारे साथ मौजूद है जिनसे अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। क्या बातचीत हुई, क्या कहा राहुल जी ने आप लोगों से? यही कह रहे थे हम तुम्हारे लिए साथ देंगे, और जितना हो सके जितना हम तुम्हारे साथ हैं, और आगे कार्रवाई करेंगे, यही कह रहे थे। आपकी माता जी गई थी, उनकी बहुत आस्था थी, बहुत विश्वास था। मेरी माता गई थी, वो ही जाती थी, हम भी गए 2-4 बार, हम भी गए, फिर हमने जाना छोड़ दिया था। मैंने कहा तुम ही जाओ, तुम ही करके आओ। क्या वजह है कि आप जाते थे और आपने जाना छोड़ दिया? इसलिए हमें कुछ नहीं उसमें दिखा था। हमें जो बता रहे थे कि भगवान है, कि उनमें शक्ति है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो कहते थे वो हर कोई जानता था, हर कोई समझदार है आज की डेट में, तो इसलिए हमने जाना छोड़ दिया। पर मम्मी हमारी जाती थी। उस दिन आपकी मम्मी से बात हो पाई थी कुछ की नहीं? नहीं, जा रही कुछ थी। कुछ नहीं हो पाई, बस यही अफसोस है हमारी कि मम्मी का बात नहीं हो पाई, बिल्कुल नहीं चले गई। आप लोग क्या चाहते हैं? भोले बाबा आपका सामने नहीं आए हैं, उनके लिए इतना बड़ा संगठन है, बिल्कुल बेकार है, वो नहीं आएगा। आता था, शक्ति होती तो जिंदा करता, दोबारा वापसी आता, वो आया भी नहीं है। मेडिकल में देखने भी नहीं आया कि मेरे सर खत्म हो गए मेरे वो। आप लोग क्या चाहते हैं, भोले बाबा के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई क्या होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल मैं तो ये कह रहा हूँ। अलीगढ़ के बाद राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, यहां पर उन्होंने तीनों परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान आशा देवी, मुन्नी देवी और ओमवती के परिजनों ने पूरी वारदात के बारे में खुलकर बताया।
अलीगढ़ में राहुल गांधी पीड़ितों के घर जाकर मिले थे, लेकिन यहां पर ओपन जगह पर मुलाकात हुई और पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी सवाल खड़े किए। पीड़ितों के परिजनों ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिया है कि वो उन लोगों के लिए आवाज उठाएंगे और ये आवाज संसद में भी उठाई जाएगी। जिन परिवार वालों से उनकी मुलाकात हुई वो आशा देवी की पत्नी जुगनू, मुन्नी देवी पत्नी सुभाष चंद और ओमवती पत्नी किशन लाल। आपका क्या नाम है? मृत्युंजय भारती। क्या कहा राहुल गांधी ने आपसे मुलाकात की? उन्होंने आश्वासन दिया है हम लोगों को, बोला है कि संसद में आवाज उठाएंगे, यही बोला है कि और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे इस बारे में। अच्छा, और कुछ मुआवजे को लेकर भी बात हुई? क्या बोला? मुआवजे में लेकर बोला है कि हाँ देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ हो सके, ज्यादा से ज्यादा हो सके। क्या कुछ आप लोगों ने अपनी डिमांड रखी थी राहुल गांधी? डिमांड तो यही है, किसी परिवार का कोई छोटा इंसान गया है तो किसी को रोजगार मिल जाए तो वो ज्यादा पड़े। अच्छा, रोजगार की आपने मांग की, तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने? अब वो कहते हैं कि जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ। हम देख रहे थे आपसे राहुल गांधी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मोबाइल फोन में भी आप तस्वीर वगैरह दिखा रहे थे, किसकी तस्वीर दिखा रहे? वो हमारे नानी की देख रहे थे और जो उन लोग पीड़ित परिवार थे उन लोगों के सदस्यों को देख रहे थे जो गए हैं उन लोगों। क्या नाम है? तो ये पीड़ित परिवार है जिससे मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे, फिलहाल जो है सांत्वना दी और साथ ही साथ मुआवजे की बात जो है कई साथी परिवारों का कहना है कि संसद में जो है पूरी बात जो है उठाने की बात भी कही। इसके अलावा परिवार वालों ने राहुल गांधी से रोजगार की बात की है कि गरीब परिवार है, अगर रोजगार मिल जाए तो परिवार को गुजारा करना आसान हो जाए।